यू हैव नॉट गिवन योरसेल्फ द लाइफ. हम इस धरती पे अपनी मर्जी से आए थे क्या? कौन आया था? कोई भी नहीं आया होगा. नेचर हैज सेंट अस. वी मे कॉल गॉड, वी मे कॉल बाय एनी नेम. व्हेन वी हैड नो कंट्रोल ओवर जर्नी ऑन दिस ग्लोब, हु गेव अस द राइट टू गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ द सेम नेचर विच हैड क्रिएटेड, विच हैज सेंट अस हियर? देखो, लाइफ फॉर एनी बॉडी. हम कहते हैं ना हमारे भगवान राम भैया, राजपाट छोड़ के 14 साल जंगलों में गए. जिनको हम भगवान मानते हैं उनके लिए भी लाइफ स्मूथ नहीं थी. भगवान कृष्ण जन्म कहाँ लिया? जेल में. क्या क्या उनकी लाइफ में मुश्किलें आई? जिनको हम भगवान मानते हैं उनकी लाइफ में भी मुश्किलें आती हैं. गुरु नानक, ही हैड टू ट्रेवल ऑन फुट, दुनिया भर घूमे वो. लुक एट एनी गॉड और गॉडेस, क्या उनकी लाइफ स्मूथ रही कभी? एक बता दीजिए. इफ यू इवन गो बाय माइथोलॉजी, मुझे एक गॉड बता दीजिए, चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट है, उनकी एंड कैसे वो क्राइस्ट का? कितना इनह्यूमन एंड. तो हम ये कहें कि अरे भाई, वी हैव रीच दैट स्टेज कि अब तो हम जी ही नहीं सकते. कैन वी से लाइक दैट? इज देयर एनी ह्यूमन बीइंग हु हैज नॉट फेस्ड हार्ड टाइम्स, डिफिकल्टीज, स्ट्रेस, मे बी एक्सट्रीम स्ट्रेस, बट दैट डज दैट एंटाइटल अस टू एंड अवर लाइफ अगेंस्ट द विशेज? नहीं होता. आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न. यस, देयर मे बी एक्सट्रीम सिचुएशन, लेकिन हमें बीमारी का इलाज करने की बजाय हमें एक्सट्रीम स्टेप पे पहुंच जाना चाहिए टू एंड द लाइफ. नथिंग इज परमानेंट. मिजरीज आर ऑल्सो नॉट परमानेंट. किसी को जेल भी भेजते हो तो एक दिन वो बाहर आता है, ठीक है. एक इवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होती है, उसको भी उम्मीद होती है कि शायद 14 साल बाद मेरा केस कंसिडर किया जाए और मैं छूट जाऊँ. तो मिजरीज आती हैं लाइफ पे, तो मिजरीज का एंड भी आता है. देयर इज ऑलवेज ए डे लाइट आफ्टर द लॉन्ग नाइट.